नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज बुलेटिन की मेन हेडलाइंस के साथ। स्कूल खोलने पर कैबिनेट बैठक कल, 17 फरवरी से स्कूल आएंगे छोटे बच्चे। सैनिक बेटे को बहादुर सैनिक पिता ने दूल्हे के भेष में दी अंतिम विदाई, हर ओर लगे शहीद अंकेश जिंदाबाद के नारे। कैबिनेट से पहले बजट पर बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटर हॉफ में ली अफसरों से रिपोर्ट। बड़े फैसलों का दिन होगा सोमवार, कैबिनेट में नई भर्तियों पर लग सकती है मुहर। एम्बुलेंस कर्मचारियों पर फैसला कल, अगर बात नहीं बनी तो उग्र हो सकता है आंदोलन। एनटीटी भर्ती ड्राफ्ट पर चर्चा होने से पहले ही शुरू हो गया विरोध। कल से 4 दिन तक प्रदेश में मौसम खराब, 17 तक बारिश बर्फबारी के आसार। अब आपके लिए समाचार विस्तार से। राज्य में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों को खोलने पर सोमवार को होने वाली कैबिनेट में निर्णय होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे और अब कैबिनेट तय करेगी कि छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए 17 फरवरी से स्कूल खोलेंगे या नहीं। हालांकि पूरी उम्मीद है कि स्कूल खोल दिए जाएंगे। राज्य में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के स्कूलों को खोलने पर सोमवार को होने वाली कैबिनेट में निर्णय होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे और अब कैबिनेट तय करेगी कि छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए 17 फरवरी से स्कूल खुलेंगे या नहीं। अभी 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, ऐसे में अब छोटी कक्षाओं के बच्चों को भी स्कूल बुलाया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। शिक्षा विभाग ने इसके लिए जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक बच्चों को शिफ्टों में स्कूल बुलाया जा सकता है। वहीं 14 मार्च से नॉन बोर्ड कक्षाओं की फाइनल परीक्षाएं शुरू होने वाली है। बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं 27 मार्च से होनी है, ऐसे में बोर्ड की ओर से भी ऑफलाइन परीक्षाएं करवाने की बात कही गई है। इसके चलते अब ये माना जा रहा है कि छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक प्री नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती आउटसोर्स आधार पर हो सकती है, इस प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके लिए शिक्षा विभाग फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में जुटा है। सैनिक बेटे को बहादुर सैनिक पिता ने दूल्हे के भेष में दी अंतिम विदाई, हर ओर लगे शहीद अंकेश जिंदाबाद के नारे। आइए आपको देशभक्ति की एक मिसाल दिखाते हैं। हालांकि इस दृश्य को देखकर किसी के भी आंसू थमते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने जवान सैनिक बेटे को कैसे एक पिता अंतिम विदाई देता है, इस दृश्य को देखकर दिल बैठने लगता है। रविवार का दिन है, सुबह के 8:50 हो रहे हैं। स्थान है हमीरपुर बिलासपुर की सीमा पर तरघेर गांव। हजारों लोगों का हजूम उमड़ा है, हाथों में तिरंगा लेकर बाइक पर सैकड़ों युवा शहीद अंकेश भारद्वाज के पार्थिव शरीर के इंतजार का। अब समय 9 बजे का है और स्थान है हरदी तल्यांगर। 9 बज चुके हैं। अब शहीद का शव डंगार के बाद बाड़ी
छजोली और छजोली में हजारों युवा यहाँ इकट्ठा होते हैं और तिरंगा लेकर शहीद बेटे को पुष्पांजलि दी जाती है। धोल में शहीद अंकेश के सम्मान में 300 फुट तिरंगा यात्रा निकाली गई। 10:25 पर सेव में शहीद अंकेश का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचाया गया। रविवार 10:25 पर शहीद अंकेश का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा तो हजारों आंखें नम हो उठी। पार्थिव शरीर आते ही वहाँ शहीद अंकेश भारद्वाज अमर रहे के नारे लगने लगे। 21 वर्षीय अपने जिगर के टुकड़े को खोने के गम में माँ कश्मीरी देवी अंदर तक टूट चुकी थी, लेकिन आंसुओं को छुपाए माँ खुद अंतिम संस्कार में शामिल हुई। मगर सबसे द्रवित करने वाले क्षण ये थे कि शहीद के पिता बांचाराम एक दूल्हे के पिता की तरह तैयार हुए थे। उन्होंने अपने बेटे को भी दूल्हे की तरह सजाया और अंतिम विदाई दी। फौजी होने के नाते जहां बांचाराम गर्व महसूस कर रहे थे, वहीं बेटे की शहादत की पीड़ा भी दिख रही थी। शहीद अंकेश का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा तो उसका छोटा भाई आकाश अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर फफक फफक कर रोने लगा। पिता ने बेटे के आंसू पोंछते हुए कहा कि बेटा मत रो, तेरे भाई ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। शहीद अंकेश की अंतिम विदाई पर दिव्य हिमाचल टीवी भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सोमवार को हो रही कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पर अफसरों के साथ एक बड़ी बैठक की है। ये बैठक शिमला के होटल पीटर हॉफ में सुबह 11 बजे शुरू हुई और करीब 2 घंटे चली। इस बैठक में अब तक का वित्त विभाग के द्वारा बनाए गए बजट भाषण के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई और इसमें और क्या बिंदु जोड़े जाने हैं उसको लेकर भी बात की गई। देखें ये रिपोर्ट। सोमवार को हो रही कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पर अफसरों के साथ एक बड़ी बैठक की है। ये बैठक शिमला के होटल पीटर हॉफ में सुबह 11 बजे शुरू हुई और करीब 2 घंटे चली। इस बैठक में अब तक का वित्त विभाग के द्वारा बनाए गए बजट भाषण के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई और इसमें और क्या बिंदु जोड़े जाने हैं उसको लेकर बात हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्त विभाग को निर्देश दिया है कि 4 मार्च को पेश किया जाने वाला बजट सर्वस्पर्शी हो, इसमें सभी क्षेत्रों को छुआ जाए और जो भी मसले सरकार के ध्यान में लंबित हैं उन सभी को इसमें एड्रेस किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी कहा है कि बजट में उन स्कीमों को प्राथमिकता दी जाए जिसमें भारत सरकार से भी बजट लाना संभव है। चुनावी वर्ष को देखते हुए यह बजट पहले से ही कर मुक्त होगा। ऐसे में ड्राफ्ट तैयार करने से पहले मुख्यमंत्री के साथ बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। गौर रहे राज्य सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों को नया वेतन आयोग दिया है और अब कैबिनेट में पेंशनरों को नया वेतन आयोग मिलेगा, लेकिन देनदारियों को अगले वित्त वर्ष में ही अब सरकार को झेलना है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कल सुबह होगी और इसमें कई मामले रखे जाएंगे। राज्य में 1,75,000 पेंशनर हैं और उनके लिए अब सोमवार को कैबिनेट में फैसला होगा। वित्त विभाग ने भी सेंट्रल रूल्स के हिसाब से नए पेंशन रूल्स बना दिए हैं, इन्हें अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कल सुबह होगी और इसमें कई मामले रखे जाएंगे। राज्य में 1,75,000 पेंशनर हैं और उनके लिए अब सोमवार को कैबिनेट में फैसला होगा। वित्त विभाग ने भी सेंट्रल रूल्स के हिसाब से नए पेंशन रूल्स बना दिए हैं, इन्हें अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही एनपीएस कर्मचारियों के लिए 2009 की अधिसूचना भी कैबिनेट से मंजूर हो जाएगी। इसके बाद 2003 से लेकर अब तक जितने भी न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान डेथ हुई है, उनके परिवार को ओल्ड पेंशन मिलेगी। कैबिनेट नई नौकरियों को लेकर भी फैसला ले सकती है। उम्मीद है कि शिक्षा विभाग से मल्टीटास्क वर्कर भर्ती नीति में होने वाले संशोधन का मामला कैबिनेट में रखा जाएगा। इस नीति के तहत 8,000 वर्कर स्कूलों में नियुक्त होने हैं। इसके लिए पहले जारी हुई भर्ती नीति के रूल 18 में बदलाव कर इसका प्रावधान रूल 7 में करना होगा। इसके बाद ही ये भर्ती शुरू हो पाएगी, जो एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। लोक निर्माण विभाग ने भी 5,000 मल्टीटास्क वर्कर भरने के लिए नीति को कैबिनेट से अप्रूव करवाना बाकी है। सोमवार को ये मामला भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। हिमाचल में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा में काम करके अपना परिवार पाल रहे सैकड़ों लोगों पर बेरोजगारी के बादल मंडरा गए हैं। हिमाचल में 102 व 108 एम्बुलेंस सेवा का काम नई कंपनी को टेक ओवर करने के बाद कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इन कर्मचारियों की नौकरी को लेकर कल कोई फैसला लिया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा का काम नई कंपनी को टेक ओवर करने के बाद कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इन कर्मचारियों की नौकरी को लेकर आज फैसला लिया जा सकता है। पुराने कर्मचारियों को नौकरी पर ना रखने के बाद कर्मचारियों ने बीते दिनों एनएचएम निदेशालय के बाहर हल्ला बोल दिया था। इसके बाद अब एनएचएम अधिकारियों ने 14 फरवरी को मेड सवान कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। ऐसे में अब सोमवार तक कंपनी कोई भी नई भर्ती नहीं करवा सकेगी। सोमवार की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि जिन पुराने कर्मचारियों को नई कंपनी ने ऑफर लेटर नहीं दिए हैं, उनकी जगह नई भर्तियां करवाई जाएंगी या फिर पुराने लोगों को ही काम पर रखा जाएगा। हालांकि पुराने लोगों को नौकरी न मिलने पर कर्मचारियों ने सरकार व विभाग के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। ऐसे में अगर इन कर्मचारियों को दोबारा नौकरी नहीं मिलती है तो फिर आने वाले समय में इनका आंदोलन और ज्यादा उग्र हो सकता है। प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी की भर्तियों के ड्राफ्ट का विरोध शुरू हो गया है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में इस ड्राफ्ट पर चर्चा होनी है, लेकिन इसमें भर्ती के लिए जो नियम तय किए गए हैं उसका विरोध शुरू हो गया है। देखिए ये बड़ी खबर। प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी की भर्तियों के ड्राफ्ट का विरोध शुरू हो गया है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में इस ड्राफ्ट पर चर्चा होनी है, लेकिन इसमें भर्ती के लिए जो नियम तय किए गए हैं उसका विरोध शुरू हो गया है। बेरोजगार एनटीटी डिप्लोमा धारक संघ का प्रतिनिधि मंडल भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओक ओवर में मिला। संघ ने मुख्यमंत्री से मांग उठाई है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करें और एनटीटी भर्ती के लिए एक साल डिप्लोमा को मान्य किया जाए। इसके अलावा आयु सीमा 45 साल अन्य भर्तियों की तरह ही रखी जाए ताकि सभी भर्ती के लिए पात्र हों। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मार्च 2022 से पहले ये भर्तियां शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए विभाग को उचित निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उम्मीद है सरकार जल्द भर्ती शुरू करेगी। अभी तक तैयार किए गए ड्राफ्ट में 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा मान्य किया गया है, इसका विरोध शुरू हो गया है। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 17 फरवरी तक लगातार 4 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि इस दौरान मैदानी भागों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 14 फरवरी से मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और हिमपात की संभावना है। इसी तरह ऊंचाई वाले इलाकों में भी हिमपात होगा। 14, 15 व 16, 17 फरवरी को पर्वतीय इलाकों में मौसम खराब रहेगा।
इस दौरान शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में बर्फ गिर सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। शिमला सहित पर्वतीय इलाकों में बीते 4 फरवरी को भारी हिमपात हुआ था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम के मिजाज बदल सकते हैं और अगले 4 दिन पर्वतीय इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। उधर रविवार को भी शिमला सहित कई इलाकों में दिन भर धूप खिली रही, इससे मौसम खुशगवार बना हुआ है। राज्य में अधिकतम तापमान में उछाल आने से शीतलहर का प्रकोप कम हुआ है। और अब चलते चलते बिलासपुर में 3 किलो 6 ग्राम चरस के साथ एक काबू पुलिस ने मंडी के व्यक्ति से पकड़ी नशे की खेप। रोहड़ू के मलखून टीर में नशेड़ी युवक ने कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतारी कजन भाभी, आरोपी फरार। कुल्लू में आस्था से खिलवाड़, अज्ञात लोगों ने टापू शनिदेव मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति तोड़ व्यास नदी में फेंकी। गाड़ियों के लिए खुला तांदी किलाड़ मार्ग, बर्फबारी के चलते लाहुल घाटी जाने में आ रही थी दिक्कत। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।